बात कर लेते हैं यहाँ से अभी खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में हमने सरकार द्वारा कई सारे एक्शंस लागू होते हुए देखे हैं। सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई, सरकार ने पोर्टल लॉन्च करें जहाँ पे मिल मालिकों को और जो रिफाइनर्स हैं उनको अपना स्टॉक के बारे में जानकारी अपलोड करनी होती है, सरकार ने वो भी लॉन्च किया। एडिबल ऑयल पर स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई कि स्टॉक लिमिट रहेगी, और ये जो राज्यों पर सौंप दिया गया है कि कौन कितनी स्टॉक लिमिट लगाएगा, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश स्टॉक लिमिट को लागू करने वाला, स्टॉक लिमिट तय करने वाला पहला राज्य बन गया है सरकार के फैसले के बाद से। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वो भी अब इसी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और वो भी अब स्टॉक लिमिट लागू करने जा रहे हैं। अंतिम कुछ राज्य अंतिम चरण में हैं और कुछ राज्य अभी इसके मिडल में हैं, उनका इस पर अभी काम चल रहा है स्टॉक लिमिट लागू करने के ऊपर। दूसरा, अभी दिवाली जैसे आ रही है तो खाद्य तेलों की कीमतों को त्योहारी मांग का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखते हैं कि दिवाली पर खाद्य तेल से बने पदार्थों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे नमकीन हो, बिस्किट्स हो, सभी इंडस्ट्रीज़ में ऑयल का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि एक्सचेंज में जब गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को तो उसमें जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं वो भी तले हुए होते हैं, जो कि जिनमें तेल का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो ओवरऑल डिमांड अभी जो तेल की है काफ़ी अच्छी रहेगी दिवाली पर, और जिसकी वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में अभी त्योहारी मांग के चलते एक तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से सरकार खाद्य तेलों पर एक्शन एक के बाद एक ले रही है उससे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने MSP भी बढ़ाई है किसानों के लिए, किसानों का भला भी किया है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए सरकार का फैसला है कि खाद्य तेलों की कीमतें कम की जाए, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि पहले से ही ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है, खास करके सरसों तेल की। सरसों तेल में हमने देखा है कि सरसों तेल की कीमतों में हमने देखा है कि जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई हैं, 200 रुपये लीटर के पार जाती हुई नज़र आई हैं। तो सरसों तेल की जो कीमतें हैं अभी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं अगर सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि देख रहे हैं कि सरसों तेल का जो स्टॉक है, सरसों दाना का जो स्टॉक है देश के अंदर, वो महज 10 से 12 लाख टन का ही रह गया है, जिसकी वजह से 10 से 12 लाख टन का ही रह गया है जिसकी वजह से जो और जो किसान भी हैं वो भी अपनी सरसों रोक रोक कर ला रहे हैं, या फिर कई किसानों ने अपनी सरसों स्टॉक कर ली है, जिसकी वजह से सरसों की किल्लत महसूस की जा रही है एक बार फिर से, और जो कई पेराई मिलें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सरसों की जो कीमतें हैं वो तेज़ देखने को मिल सकती हैं। और दूसरा, सरसों की जो फसल है उसको आने में 1 से 1.5 महीने की देरी लग सकती है, क्योंकि सरसों की जो बुआई है इस समय वो लेट हुई है, मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नज़र आया था, बारिश हो गई थी, किसानों को बुआई फिर से शुरू करनी पड़ी, जिसकी वजह से सरसों की नई आवक होने में देरी हो सकती है। तो ऐसे में सरसों की जो डिमांड है वो बनी रहेगी और जो कीमतें हैं वो भी तेज़ होती रहेंगी अभी हाल फिलहाल के अंदर, जब तक नई सरसों मंडियों में नहीं आ जाती है। और नई सरसों जब मंडियों में आती है तो पुरानी सरसों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि नई सरसों की आवकों में देखते हैं कि नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और पुरानी की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ किसानों ने जो सक्षम है सरसों रोकने में, उन्होंने अपनी सरसों को होल्ड करके स्टॉक करके अभी रखा हुआ है, और अभी सरसों की कीमतों में तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी आने वाले दिनों में।